हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रजत में। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो जाओ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्डिनो आईडी पे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्डिनो प्रोग्रामिंग पे। जी हाँ दोस्तों, अब हम अर्डिनो की प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रोग्रामिंग क्यों की जाती है। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बना लेते हैं और किसी चीज को ऑटोमेट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब उसमें हमें कुछ काम करने की जरूरत ना पड़े, हमने एक बार जो किसी बंदे को या किसी माइक्रो कंट्रोलर को समझा दिया कि भाई तू ऐसे ऐसे काम करेगा तो वो वैसे ही काम करे, इसमें हमें माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करना पड़ता है। प्रोग्राम का मतलब कि उसको समझाना पड़ता है कि भाई तूने कौन सा काम करना है, ठीक है, तो वो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में तो उसे समझा नहीं सकते। हिंदी इंग्लिश में समझाओगे वो समझेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो एक मशीन है और मशीन जो है ना वो सिर्फ दो ही डिजिट को समझती है, 0 और 1, जिनको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मशीन को समझाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है ताकि हमारे माइक्रो कंट्रोलर है उसको समझ आ सके कि वो काम क्या करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, कई सारी लैंग्वेज है जिसमें हम माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे बेसिक जो है वो है सी या C++, जावा, पाइथन, ऐसी कई सारी लैंग्वेज है, आप किसी में भी प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है, जो आपको आती हो। बट मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर आप बिगनर हो तो आपको सी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सी एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। इससे पहले भी एक असेंबली लैंग्वेज होती थी बट वो थोड़ी टफ है, वो आपको इतनी समझ नहीं आएगी, इसलिए सी लैंग्वेज बेस्ट है। हम उसी लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग करना सिखाएंगे और बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे, एक-एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है दोस्तों। अब माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए जो सेटअप की जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बता देता हूं। सेटअप दोस्तों, इसमें हमारे पास एक पीसी होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से भी कर सकते हो। मोबाइल वाली वीडियो मैं अलग से बना के आपको समझा दूंगा कि कैसे उसका इंस्टॉलेशन करना है, सेटअप करने हैं। आज हम जो पीसी वाले हैं उस पे बताते हैं कि पीसी पे कैसे इंस्टॉल करना है उसका सेटअप। उसके लिए दोस्तों हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी अपनी कंप्यूटर में, जिसका नाम है अर्डिनो आईडी। जी हाँ दोस्तों, अर्डिनो आईडी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कहाँ से करना है, ये सारा हम आज की वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बेसिकली इसका सेटअप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों, प्रोग्रामिंग सीखने से पहले आपके पास कुछ माइक्रो कंट्रोलर होने चाहिए जिसपे आप टेस्ट कर सकोगे, ठीक है। पीसी में सेटअप के बाद हमें चाहिए होगा माइक्रो कंट्रोलर जिसपे हम अपना जो प्रोग्राम है वो टेस्ट कर सके, क्योंकि जो आपको सिखाएंगे वो टेस्ट भी तो करना है, ऐसे कैसे आप समझ पाओगे। तो उसके लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। तो ये आप कहाँ से लोगे, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अमेजोन का, आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, आप डेवलपमेंट बोर्ड ही इस्तेमाल करना फिलहाल, क्योंकि आप नए हो, आप माइक्रो कंट्रोलर का डेवलपमेंट बोर्ड इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, ये है अर्डिनो जूनो 3, ठीक है। अर्डिनो मेगा भी आता है, अर्डिनो नैनो भी आता है, अर्डिनो मिनी भी आता है, ठीक है दोस्तों। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, सबकी वर्किंग सेम है, सिर्फ इनकी इनपुट आउटपुट पिन का फर्क होता है, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है, ठीक है दोस्तों। ये इस्तेमाल कर सकते हो, जहां अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप ये छोटा वाला अटीनी 85 बोलते हैं इसे, डीजी स्पार्क का, इसकी 5 पिन होती है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी अच्छा डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। तो अर्डिनो 85 इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आपके पीसी में कुछ ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ये भी हम इसी ट्यूटोरियल में आपको सारा बताएंगे कि कैसे इसका सेटअप करना है, ठीक है दोस्तों। आप ESP32 का इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से ये जो बोर्ड है ESP32, ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें इनबिल्ट ब्लूटूथ आता है, इनबिल्ट वाईफाई आता है, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट अपने फोन के साथ भी कंट्रोल कर सकते हो ब्लूटूथ के जरिए। तो इसमें अपना वाईफाई भी होता है जिससे आप इंटरनेट से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आप यही खरीदना, क्योंकि ये इस टाइम पे सस्ता भी है। जी हाँ दोस्तों, अर्डिनो से भी काफी ज्यादा सस्ता है। अर्डिनो पहले सस्ता होता था, 300 350 का आ जाता था, बट जैसे जैसे हमारे हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो स्टार्टअप लगा है उसकी वजह से इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो अब ये महंगे हो गए हैं। बट ये ESP32 आपको सस्ता मिल जाएगा, 300 350 का, और इसमें फीचर भी ज्यादा है, ठीक है। तो आप यही परचेज करना, ये भी अच्छा है।
तो इसी में हम सारी टेस्टिंग करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग पे। आपने सबसे पहले इसे परचेज करके रख लेना है और साथ साथ में हम प्रोग्रामिंग इस पे सीख के इस पे टेस्ट करके आपको लाइव डेमो दिया करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज से हम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे इस सीरीज पे अर्डिनो प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सीखना चाहते हो घर बैठे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि अर्डिनो आईडी की इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और इसका सेटअप कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए चलते हैं हम अपने पीसी की स्क्रीन पे। तो चलिए हमारे पीसी पे, तो दोस्तों अभी हम कर लेते हैं अपनी अर्डिनो आईडी इंस्टॉल, ठीक है। तो ये हमने कर दिया स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। आप क्रोम पे जा सकते हो या फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट एज जो भी आपके लैपटॉप में है उसमें जाना है। हाँ, तो दोस्तों अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सर्च करना है अर्डिनो आईडी। जी हाँ दोस्तों, मैं सर्च कर रहा हूँ अर्डिनो आईडी। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको ये अर्डिनो की जो वेबसाइट है www.arduino.cc.software, ये इसी वेबसाइट पे जाना है आपको और इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस पे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो अभी आपको दिख रहा है ये इसका अर्डिनो का लेटेस्ट वर्जन है 2.2.1। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि विंडो विन 10 64 बिट के लिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा है इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो है अर्डिनो आईडी 2.2.1। तो ये इंस्टॉल करने से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो कितने बिट का है। जी हाँ दोस्तों, कई जो हमारे ओल्ड वर्जन है वो 32 बिट पे काम करते हैं, जो नए वाले हैं वो तो आजकल 64 बिट पे ही करते हैं। तो हम फिर भी चेक करवा देते हैं आपको कि हमारा सिस्टम कितने बिट का है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ से मिनिमाइज हो जाना है, पहले दिस पीसी में जाना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाना है, नीचे आपको दिख रहा है प्रॉपर्टी में जाओगे तो यहाँ पे ये आपका जो कंप्यूटर है उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो कंप्यूटर है वो कितने बिट का है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये है दोस्तों सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो मेरा 64 बिट का है तो मैं 64 बिट वाला ही अर्डिनो आईडी इंस्टॉल करूंगा। अगर आपका 32 का है तो आप 32 वाला इंस्टॉल करना, ठीक है। तो मैं फिर से जाता हूं अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। अब ये देखिए सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है विन 10 एंड न्यूर 64 बिट, तो आपने इसी को इंस्टॉल करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो अर्डिनो को तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है और इसको डाउनलोड लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ऊपर आपको डॉलर दिख रहे हैं ना, ये इसलिए होते हैं क्योंकि जो अर्डिनो है ना वो एक फ्री सोर्स है, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ लोग दान करते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हम जैसे जो बिगनर है या फिर प्रोफेशनल है उनको ये फ्री में डाटा प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है ऐसे करके, तो आपका जो डाउनलोडिंग होना है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारा अर्डिनो आईडी डाउनलोड हो रहा है तो ये थोड़ा टाइम लेगा और कुछ सेकंड के बाद या मिनट में बाद, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे का सेटअप आपको बताते हैं कि इसको आगे हमने कैसे कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, ये मात्र कुछ मिनटों में हो जाएगा, भी होने वाला है, होने वाला है। मेरा इंटरनेट कनेक्शन काफी अच्छा है, स्पीड है। तो इसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, ये देखिए अभी ये हो गया, वेट कर लेते हैं थोड़ा, अभी नहीं हुआ है, अभी इसकी रहती है थोड़ी सी एमबी। तो अब हमारा जो आईडी डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। जैसे हम ओपन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि क्योंकि मेरा सिस्टम स्लो हो चुका है दोस्तों, 8 GB रैम है, फिर भी स्लो हो सकता है इसकी सी ड्राइव फुल हो गई होगी। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, तो आपने इसको जस्ट एग्री पे, आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने जैसा डिफॉल्ट आ रहा है वैसे रहने देना है, ये आपके कंप्यूटर का नेम आ रहा है आगे जो भी होगा, हमने जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि आपका जो डेस्टिनेशन फोल्डर है वो कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये स्टोर होगा। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो या फिर जहां पे इंस्टॉल हो रहा है अपने आप सिलेक्ट किया है इसने, लोकल डिस्क सी करी होगी तो वहां पे ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जैसा है वैसा रहने देते हैं हम।
अभी इसको हम करेंगे इंस्टॉल, इंस्टॉल पे हम करेंगे क्लिक। ये हमने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, अब ये इंस्टॉलेशन इसकी हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये इंस्टॉलेशन में कुछ टाइम लेगा दोस्तों, तो आपने थोड़ा सा धैर्य रखना है और इसको इंस्टॉल होने देना अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो अभी हो चुका है और यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ चुका है। तो अभी हमने इसको करना है फिनिश, और उसके लिए हम करते हैं इस फिनिश पे क्लिक। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने ये क्लिक करा अभी ये लोड हो रहा है अपने आप। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, तो ये अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आप बफरिंग हो रही है इसकी। प्रोसेसिंग हो रही है दोस्तों, अभी थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को मिनिमाइज कर देता हूं इतनी देर। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस अभी ओपन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये खुद ब खुद हो रहा है, आपने थोड़ा सा वेट करना है, कोई भी बटन वगैरह क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये प्रोसेस हो रहा है अभी। तो देखिए दोस्तों, अभी ये इसका वर्जन ओपन हो रहा है, तो ये हो गया दोस्तों। वेट वेट वेट, थोड़ा सा वेट करिए और हो जाएगा, क्योंकि पहली बार सेटअप हो रहा है ना, तो थोड़ा सा टाइम तो लेगा ही, और इंटरनेट से कुछ अभी फाइलें इसको डाउनलोड भी करनी है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है अभी। तो इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है अभी, तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ आ रहा है, ये नल प्रोग्राम है, अभी तक इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है, इसका सिंटैक्स है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है, लिखा है ठीक है, ये नीचे लिखा है, तो आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर भी सकते हो अभी। अगर लेटर करना है तो, मतलब थोड़ी बाद में करना है तो बाद में भी कर सकते हैं, तो हम बाद में ही कर लेते हैं। हमने दोनों पे लेटर कर दिया, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन रिमूव हो चुकी है। तो अभी हमारी जो अर्डिनो आईडी है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, ये देखिए मैं इसका इंटरफेस समझा देता हूँ थोड़ा सा। आप इसको प्रोग्राम को सिलेक्ट करके इसको कट कर दीजिए। ये कुछ इस तरह का दोस्तों इसका इंटरफेस होता है, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये प्रोफाइल है, यहाँ पे अगर आप न्यू स्केच बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इसके नीचे ये ओपन है, यहाँ पे अगर आपका जो प्रीवियस कोई फाइल आपने सेव कर रखी है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। इसके नीचे ये एग्जांपल है, देखिए आप देख पा रहे हो, इसमें जो बेसिक होते हैं उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, जैसे एलईडी को ब्लिंक करवाना है या डिजिटल रीड सीरियल, एनालॉग रीड सीरियल, ऐसे कुछ भी करना चाहते हो आप, तो उसकी एग्जाम्पल के प्रोग्राम यहाँ पे ऑटोमेटिक इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर होते हैं, तो यहां से आप उनका अंदाजा लगा सकते हो। बट मैं आपको पूरा सिखाऊंगा दोस्तों, आप टेंशन मत लेना, ए टू जेड प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा आपको इसकी, कि कैसे कैसे करते हैं। तो आप ये एग्जांपल देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो, नहीं देखनी है तो नहीं भी देख सकते हो। तो देखा दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमने अर्डिनो आईडी की जो सेटअप है वो कैसे इंस्टॉल करना है, जो उसका एनवायरमेंट है अपने पीसी में कैसे उसका सेटअप करना है। तो हम सिंपल दोस्तों अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गए, वहां पे हमने सर्च करा अर्डिनो आईडी, तो जैसे उनकी वेबसाइट आई वहां पे क्लिक करा और जो लेटेस्ट वर्जन था उसको हमने इंस्टॉल करा, उसको हमने डाउनलोड करा और आगे इंस्टॉल करा। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपका जो सेटअप है वो पूरा रेडी है करना। और अगर ये अर्डिनो प्रोग्रामिंग आप सच में सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि हम बेसिक लेवल से सिखाएंगे आपको बिल्कुल हिंदी में और बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है दोस्तों, हम आपको वो बच्चों की तरह इंग्लिश के ग्रामर वगैरह नहीं सिखाएंगे, हम पॉइंट टू पॉइंट सिखाएंगे, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको हर एक कंसेप्ट की समझ भी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सिखाने के भी दो तरीके होते हैं, एक बोरिंग वाला होता है और एक फन वाला होता है। ठीक है, तो हम फनी तरीके से आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।